अक्सर हम सभी भारत से किसी अन्य देश में यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो हमें पासपोर्ट के साथ साथ वीजा की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी रेलवे स्टेशन पर भी उतरने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़े, और वे भी तब जब वह रेलवे स्टेशन भारत में ही हो, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। दरअसल भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां पर बिना वीजा के जाना गैर कानूनी माना जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बना यह रेलवे स्टेशन अटारी रेलवे स्टेशन है, और यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है। यहां पर जाने के लिए आपके पास पाकिस्तान वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्टेशन पर अगर आप बिना वीजा के पहुंचते हैं तो आपके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिसकी जमानत मिलना भी काफी मुश्किल है। बता दें, इस स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती है। यहां से ट्रेन को रवाना करने से पहले ट्रेन में बैठे मुसाफिरों के साथ ही सीमा शुल्क विभाग से इजाजत ली जाती है। यहां पर आने वाला जो भी यात्री रेलवे टिकट खरीदता है तो उस पर पासपोर्ट नंबर भी लिखा होता है। इस रेलवे स्टेशन पर आपको 24 घंटे भारी सुरक्षा मिलेगी। यही नहीं, यहां पर आपको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जैसा आप किसी एयरपोर्ट पर चाहते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, हालांकि पर्यटक दूर से इस रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं।